उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर करिए से होंगे। तो व्यूअर, आज मैं आपके साथ एक और ये LCD है जो डेड कंडीशन में है, ये HP की V193B। इसका ये है कि ये पावर लगाओ तो ये ऑन नहीं होती, तो इसको आप चेक करते हैं तो इसका क्या मसला होता है। क्या इसको सब करते हैं, सबसे पहले काम फ्यूज चेक करते हैं। फ्यूज ठीक है, ये इसका बोर्ड बंद हुआ है।
इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये दूसरा बोर्ड है कि इस पास पड़ा हुआ, इसको लगा के हम चेक कर लेते हैं। ये
अच्छा व्यूवर्स, ये कि इसके जो वीडियो कार्ड अपना था वो फुल बर्न्ड हो चुका है, जिस वजह से ये देखें जल चुका है। ये वीडियो कार्ड बिल्कुल इस हालत में है कि ये अब रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्प्ले पोर्ट पे इसकी शॉर्टेज हुई है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास एक पड़ा हुआ था बोर्ड, जो बोर्ड मैंने रिप्लेस किया है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताते चलूँ व्यूवर्स, ये इसके जो पावर सप्लाई होती है समटाइम ये होता है कि डेड होती है। डेड का ये होता है कि इसके साथ ही ये एक फ्यूज़ टाइप लगा होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि लेकिन फ्यूज़ होता है। इसको आप सबसे पहले चेक कर लें, इसको जब चेक करेंगे ये दो पॉइंट है, अगर ये फ्यूज़ ओपन हो तो आपने इस फ्यूज़ को रिपेयर करना है, अगर ये ठीक हो तो फिर आपने आगे सर्किट का चेक कर लेना है, जिस पर ये ब्रिज रेक्टिफायर आ जाते हैं इनको चेक करना होता है, इस ट्रांजिस्टर को चेक करना होता है कि इसके वोल्टेज रेगुलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये इसके बेसिक है, पावर केबल सबसे पहले चेक करनी है, स्विच ऑन ऑफ के साथ चेक करनी है, उसके बाद ये फ्यूज़ इसका आता है पैनल में, ज़्यादातर ये होता है कि ये फ्यूज़ डैमेज होता है, तो इस लिहाज से ये मैंने अभी रिप्लेस किया है। इसको अब मैं इस पैनल के साथ वापस लगाऊंगा। पैनल की केबल लगा दी, इसकी सेटिंग कर इसको आप दे। तो व्यूवर्स ये था, इस पर छोटा सा प्रॉब्लम था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि एलसीडी को ओपन कैसे करते हैं, उसकी पावर सप्लाई को कैसे चेक करना होता है, चेक करने के बाद अगर कोई इस तरह का इशू हो तो वो आपको कैसे कंफर्म हो सकता है। तो इसके साथ और भी एलसीडीज का कोई इशू आता है तो मैं आपको साथ देता है वो भी बताते जाऊँगा। तो जल्दी बताओ।